बीते 3 दिनों से मालवा अंचल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं नीमच जिले में शीतलहर से फसलों पर बर्फ जम गई है। मेथी, चना, सरसों, गेहूं में अधिक और अफीम की फसल में आंशिक नुकसान बताया जा रहा है। नीमच जिले में रविवार और सोमवार का दिन कड़ाके की ठंड के नाम पर रहा। ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। शीतलहर के चलते नीमच जिले के कई गांव के खेतों में बर्फ जम गई है। पाली से गेहूं, सरसों, चना, मेथी और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं अफीम उत्पादक किसानों की चिंता भी शीतलहर के कारण बढ़ गई है। आज सुबह पहले खेतों में गया तो खेतों की तरफ बर्फ जमा हुआ था, जिससे चना, धनिया, गेहूं, अभी जो गेहूं में दाने पड़ने की स्थिति है उसमें पारा जमने के कारण गेहूं में बहुत नुकसान है। धनिया जल चुका है, चने के सारे खेत जल चुके हैं। आज कम से कम 4 डिग्री तापमान है, इससे फसलों को बहुत नुकसान है। एकदम ठंडा मौसम होने से, तापमान गिरने से हल्का फुल्का नुकसान अफीम में हुआ है और बाकी मसूर, चने, रायड़ा, इन चीजों में भारी बहुत नुकसान हुआ है सर।